साफी दे नया चेहरा एक नई पहचान। ये खून में जाकर अंदर से एक्ने, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स को जड़ से निकाले। Assalamu alaikum, I'm Dr. Khadija Kiran. I'm a consultant dermatologist and American board certified aesthetic physician. I'm running my own clinic in Johar town with name of Glamour by Dr. Khadija Kiran. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ अबाउट टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के बैड इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। टॉक्सिन्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये बैडली इफेक्ट करता है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर। लाइक लिवर को ये ख़राब करता है, ये लंग्स के फंक्शंस को ख़राब करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपकी हीमोग्लोबिन जो है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के कम होने की वजह से आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। उसके साथ साथ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको, जो कि आपकी एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं, आपकी स्किन को ख़राब करते हैं, उनको उनके डैमेज से बॉडी को और स्किन को बचाने में ये नाकाम हो जाती है। जब ये टॉक्सिन्स आपके थायराइड को अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। आपकी स्किन या तो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, हर्सूटिज्म जो कि आपके बालों की ग्रोथ होती है वो होना शुरू हो जाएगी, आपकी एक्नी एंड पिंपल्स को ये कॉज करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिन्स। तो उसके लिए हम एंटी ऑक्सीडेंट्स देते हैं। एलोपैथिक मेडिसन्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर। हमदर्द की साफ़ी एक कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता एक नबताती दवाई है, जिसके 5 या 6 बॉटल्स के इस्तेमाल से आपके चेहरे को पिंपल्स एंड एक्नी से जड़ से निजात मिल जाती है और आपका चेहरा साफ और शादाब हो जाता है। ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं दे आर नॉट हार्मफुल टू योर बॉडी। इनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल जड़ी बूटियाँ होती हैं। सो इनके एलोपैथिक मेडिसिंस की तरह इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते आपकी बॉडी के ऊपर। इसके साथ साथ अगर मैं साफ़ी के बारे में बात करूँ तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम जो जंक फूड बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको ये ऑन रेगुलर बेसिस जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करती जाती है। सो ये दिस इज़ नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी और स्किन प्रॉब्लम्स, बल्कि ये आपको प्रिवेंट भी करती है एक्नी से, पिंपल से, आपके चेहरे को ग्लो देती है, एक नेचुरल ग्लो देती है। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी दवाई इस्तेमाल करना चाहें उसको आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनकी एडवाइस के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि यू आर एलर्जिक टू दैट प्रोडक्ट, तो आपको आपके जो डॉक्टर हैं वही आपको सही से गाइड कर सकते हैं आया कि आपको इस दवाई की ज़रूरत है भी कि नहीं। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन का बहुत ख्याल करें। आपकी जो स्किन होती है वो आपका मेजर, यू नो, आपका आपकी पर्सनैलिटी का एक 70% पार्ट वही बनाती है। आपकी स्किन हेल्दी होगी, यू विल लुक ब्यूटीफुल और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को आप सही करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपकी जिल्द के लिए भी, आपके दूसरे ऑर्गन्स की अच्छी एक्टिविटी के लिए भी, और पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, और साथ में इस तरह के नेचुरल प्योरीफायर ये हेल्दी भी हैं आपके लिए और ज़रूरी भी हैं। आपकी एजिंग को भी ये स्लो डाउन करेंगे, आपके मल्टीपल जो स्किन के इश्यूज़ हैं उनको भी ये काउंटर करेंगे। सो खुश रहें और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, एंड जस्ट अ रिमाइंडर, यू आर ब्यूटीफुल। ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।